नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवांग तिमोरी। इस वक्त हम जसवंत नगर विधानसभा में हैं और जसवंत नगर की विधानसभा के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। और इटावा में ये विधानसभा पड़ती है और इटावा में 20 फरवरी को यहाँ मतदान होना है। लोगों की हम लोग राय लेंगे आखिरकार ये यहाँ के विधायक को किस तरीके से देखते हैं और जब पहले विधायक जो यहाँ थे तो उन लोगों ने कितना काम कराया है यहाँ पे और ये किस तरीके का विकास चाहते हैं। लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। दादा, सबसे पहले आप, क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नगला बंदाब। यहीं रहते हैं, जसवंत नगर पड़ती है आपके द्वारा। किस तरीके से देखा आपने 5 साल का विकास जो यहाँ के विधायक रहे हैं? विकास तो बढ़िया रहा। अच्छा, किस तरीके का काम रहे हैं? काम सही रहा है। अच्छा, आगे विधायक किस तरीके से देखना चाहेंगे आप? हम बढ़िया तरीका देखने चाहेंगे। और क्या, कौन कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? ये तो हमें पता नहीं है। ये तो आप कहाँ मतदान दे रहे हैं आपकी बात? हम तो अगले से बारे में मतदान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, दादा आपका क्या नाम है? हमारा तो ये कहना है, हम तो शिवपाल सिंह को वोट देंगे और शिवपाल सिंह ने ब्लॉक ताखा में ही उन्नति की और आज भी उनके अलावा कोई देख नहीं रहा। किसानों नेता माननीय मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह किसान के नेता हैं और हम लोग खुद किसान हैं। अच्छा, यहाँ सुना जाता है जो यहाँ के विधायक हैं शिवपाल सिंह जी, हाँ, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ लंबे समय से वो विधायक रहे हैं, लगभग कितना टाइम हो गया उन्हें विधायक, कितने कार्यकाल रहे हैं? छठवीं बार नामांकन किया है। छठवीं बार की और 2 बार ब्लॉक ताखा जब से लगी है तब 2 बार हो चुके हैं। हाँ, तो लगातार मतलब वही विधायक रहे हैं और भी लोग खड़े हुए हैं और लोग और कोई नहीं जीते उनके अलावा। कोई जीते अब की बार किस तरीके का माहौल? अब की बहुत अच्छे उनको माहौल है। और भी लोग हैं, लोगों से हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश्याम है। क्या करते हैं आप? हम अब तो खेती कर, पहले किसान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइए 5 साल किस तरीके से बीते आपके? बहुत अच्छे बीते। अच्छा, हाँ, सुपाल के यहाँ वो ब्लॉक ताखा में विधायक रहे थे, वो बहुत अच्छा बीजा, बहुत अच्छा उन्होंने विकास किया। अब की बार फिर से नामांकन किया है शिवपाल सिंह जी ने, शिवपाल को फिर भी वोट देंगे? और जो मानदार चौधरी जो मोदी गोदी किसी को वोट नहीं दिए, ये बात मान ले आप। अच्छा, किस तरीके से नाराजगी रही? नाराजगी जाएगा गाँव घेत गए तो परेशान है, मैं सब खेत खा लेगा इनने। अच्छा, तो इस अब खाद मिलती नहीं, खाद मिलती का ना रिस्पित है। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो इस सरकार में ज्यादातर दिक्कत रही है वो गाय से रही है? गाय साड़न से रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो अभी खाद से दिक्कत ही रही। अच्छा, खाद नहीं मिल रही। अच्छा, राशन मिला आपको? राशन मिल तो नमक में मिलेगी दे दी। अच्छा, हाँ। पक्की बार मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं? अखिलेश को। अच्छा, हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा, और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं नाराजगी ज्यादा है। दादा, क्या नाम है आपका? पंचमी। क्या करते हैं? किसने ये किसान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, किस तरीके से 5 साल आपने देखे? 5 साल तो अब जब ये मोदी हुई है तब तक आदमी बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ, ये गाय आए से काम ढिले और हर एक तरह की परेशानी आए। अब सूजी लगवा दे तो जहर लगवाते, अब मान लो आदमी मत तो बीमार है, पैसा है तो है नहीं जो कुछ करें, तो तब आदमी परेशान है। अच्छा। हम तो इन्हें दिए जो जिठाड़े हैं शिवपाल नाम का, बस हम तो इन्हें दिए। अच्छा, जी अजय, 5 साल ये जो रहे योगी शासन के, तो कहा ये जाता है कि जो पहले जिस तरीके से लूटपाट होती थी, गुंडागर्दी होती थी, ज्यादा नहीं भाई अकेले बात तो खैर सही है, अकेले उतनी नहीं ज्यादा भाई आए। अच्छा, पहले से कम हुई है? हाँ, पहले तो कम भाई, पहले से कम हुई है। तो कहीं ना कहीं जो 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 लगाम है इस पे, जो लूटपाट होती थी, गुंडागर्दी होती थी, उस पे कहीं ना कहीं इस सरकार ने दबाव बनाया है, रोका है इसको? हमें नहीं मालूम है, जानकारी नहीं है आपको। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। किसान से जुड़े? अच्छा, ये बताइए किस तरीके से आपने योगी शासन के 5 साल देखे? 5 साल देखे हैं तो बड़ी मुसीबत ही के देखे हैं। रोजगार वो नहीं मिला, पढ़े लिखे घूम रहे इधर उधर भटक रहे हैं, रोजगार वो नहीं मिले, नौकरी नहीं, कोई निकली भी है तो उसके कहीं आउट हो गए, पेपर आउट हो गए हैं, कहीं लगी नहीं रहे हैं, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, डिग्रियां हैं, सब कुछ है, प्राइवेट फैक्ट्रियों में मारे मारे फिर रहे हैं। इस शासन में क्या है, कोई काम ही नहीं अच्छा हुआ। अच्छा, ये बताइए यहाँ से जसवंत नगर के जो विधायक हैं किस तरीके से विकास यहाँ का? यहाँ उन्हीं की देन है, जो भी विकास ताका में क्या आसपास जहाँ भी है, जितना भी विकास है
रोड से लेके कहीं भी किसान संबंधी कोई भी क्षेत्र में काम है वो सब कुछ उन्हीं की देन है, सपा सरकार की है। कार्यकाल में ही ये काम हुए, रोड चाहे देख लिए जाए, चाहे खाद बीज किसान की कोई भी समस्या देख ली जाए, वो सारी सारी इन्हीं की देन रही है। अच्छा, यहाँ अब की बार फिर से एक बार शिवपाल सिंह जी ने नामांकन किया है, तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोग? बहुत अच्छी जीत होगी यहाँ से, बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी यहाँ से। अच्छा, और भी कई लोग खड़े होते हैं, उन लोगों को कोई पसंद क्यों नहीं करता है, क्या वजह रहती है? उनके विकास कार्य ही नहीं है, उनकी कार्य शैली नहीं अच्छी है। कार्य शैली किसानों को चाहिए, अच्छे काम हो, किसानों को चाहिए सब सुविधा हो। ये तो जानवर ढीले फिर रहे, किसान तो रारा दिन गाय ढूंढ घेरता फिर रहा है, तो वो किसान कहाँ से इन पसंद करे इन सरकारों को। अच्छा, कहीं ना कहीं जो लगातार दल बदल हो रहे हैं, पार्टी के नेता इधर से उधर जा रहे हैं, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अखिलेश यादव जी की जो भाभी हैं, बहू हैं, जो कि उनकी छोटी हैं, वो भाजपा में चली गई हैं? वो चली गई हैं हाल फिलहाल में, लेकिन उनसे वो इधर भी आ जाएंगी, उनका क्या, नेताओं का दल बदलू काम है, वो उधर कुछ लाल दिया होगा, नहीं लाल मिलेगा, इधर आ जाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? मोहन लाल। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से आपने देखा यहाँ विकास किस तरीके के हुए हैं? यहाँ विकास ऐसे भाई साहब के सब तो मंडियाँ बंद कर दें मोदी ने, और गायें खेत से खाए लेती, खाद बनाई मिल रही, जो खाद 300 की मिलती वो 350 की, 1200 की, 1600 की, और उसमें भी 5 किलो कम कर दी, खाद भी नहीं मिल रही, और कोई भी मंडी नहीं, कोई लड़कों को शिक्षा नहीं, कोई स्कूल सब बंद, कोई भी नहीं। अच्छा, जो किस सरकार की तरफ से जो किसान निधि दी जा रही है वो आपको मिल रही है? वो कहाँ मिल रही, कभी मिल रही कभी नहीं मिल रही, कहा मिल रही तो वो नमक में कांच मिल रहा हो, बाय खा लो तो हमारे सूजी लगती है, तो तय करा लख आदमी मर चुको, हमारे यहाँ मर चुके 10-15 आदमी। अच्छा, तो राशन मिला है आपको? राशन मिल तो कब ना ही मिल तो ऐसा हो जाता तो। अच्छा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता? हाँ, कभी नहीं मिलता। अच्छा, आपकी बार यहाँ किस तरीके से आप विधायक को किस तरीके से देखना चाहेंगे? हमें यहाँ शिवपाल को, अच्छा, उन्हीं को दिए वोट, और उन्हीं को माहौल है, यहाँ पर किसी को वोट नहीं मिले है। हाँ, और कोई खड़ा हो से? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ भैया, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश है। अच्छा, किस तरीके से देखे आपने भैया 5 साल? 5 साल बहुत मुसीबत में कटे हैं साहब। हाँ जी, वो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। अच्छा, कि बाल बच्चन को कोई शिक्षा नहीं है, जान बन के सब कोई परेशान है, और अखिलेश भाई साहब की जो रही है जब तक तब तक सब सुख में रहे, अब सब परेशान है या सरकार में। अच्छा, जो सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जो गरीब थे उन लोगों के पास जिसके पास छतें नहीं थी, उनको हमने आवास बनाने का काम किया है, शौचालय दिए हैं गाँव गाँव, आपके गाँव में कितने शौचालय बने हैं अभी, किसी को मिले हैं इस सरकार में? बने हैं साहब, सब हमारे यहाँ ऊसर वायता में जाते, एक आज कहू बनो कहू नहीं बनो, रही से नहीं बने, गरीब को कछु नहीं है। अच्छा, हाँ जाने हो पाए तो ले पाओ तो ले लो, नहीं ले पाओ नहीं की बात, हमारे लाइन तो कछू नहीं, मेरा आदमी साहब। अच्छा, हमारे लाइन जालो नहीं कि शेर भरी ना जो दो जाए सो नहीं दो जाओ। आपको आपको जो सरकार की तरफ से अनाज जो दिया जा रहा है, लगातार गल्ला जो बांटा जा रहा है, आपको मिलना है? कभी एक दाना नहीं मिला कसम से हमें। अच्छा, सत्य कहती है। अच्छा, तो क्या कारण, क्या कारण था? हमारे नाम को बोई नहीं है, कहा ना राशन कार्ड बनवाया नहीं, बनवाया था आपने, कोशिश की। अच्छा, बनाई नहीं। अच्छा, हाँ क्लियर। चले, और लोगों से हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार चक हूँ, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य ताका प्रथम से। अच्छा, हाँ, तो किस तरीके के विकास रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि शिवपाल सिंह लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, तो किस तरीके के यहाँ विकास रहे हैं? शिवपाल सिंह ने यहाँ विकास कराया ताका में, और इसके पहले विकास नहीं था। रही बात बीजेपी की, बीजेपी से पूरी उत्तर प्रदेश तंग हो गया है। ये सरकार किसी गरीब की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। इसमें किसान मजदूर ये सारे लोग पीड़ित हैं, और स्थिति तो यहाँ तक है 5 बीघा खेत वाले के 5 बीघों जब गेहूँ चर जाएंगे तो किसान क्या खाएगा फिर यहाँ? तो किसान यहाँ बहुत परेशान है। मेरे विधानसभा जसवंत नगर में पहले जो माननीय शिवपाल सिंह जी जीते 56,000 से, अब की बार 1,56,000 से जीते गया, और आज तक ना कोई जीता है यहाँ पर,
उनके सामने, और हम तो कहते योगी जी आ जाए यहाँ पर, अब की बार योगी जी आज हमारे लड़के देख लें तो जमानत जब्त योगी जी की हम लोग करवा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जो किसानों की सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए हमने लगातार अनाज देने का काम किया है, क्योंकि अभी कोविड जैसा माहौल रहा इसमें कोई काम नहीं कर पाया तो अनाज देने का काम किया, और लगातार अभी भी कहा जा रहा है कि अनाज दे रहे हैं, और जिनके पास छत्ते नहीं थी उनको छत्ते देना काम किया, इस तरीके को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी वाले अनाज की बात करते हैं, ये कौन खेती में अनाज पैदा करते हैं? अनाज तो हम किसान पैदा करते हैं, हम लोग अनाज न देंगे भूख मर जाएंगे, सब जमींदार जितने जो पूंजीपति की सरकार है ये भूखों मर जाएंगे कल, अगर किसान हम इकट्ठा होकर अगर अनाज देना बंद कर देंगे, बे हमसे कह रहे अनाज दे रही, बे हमको क्या अनाज दे रही, अनाज सारे मेरा ही है, हमारा लेकर हमको दे रहे, क्या दे रहे हो? डीजल की पोल्यूशन 86 रुपए, इसको GST में डाल दो 45-45 आ जाएगा, किसान को लूट रहे हैं बीजेपी वालों, लूट रख दिया किसान को, पूरा देश बर्बाद कर दिया है, और बीजेपी सरकार जाने वाली है, चली गई, 10 तारीख योगी जी की विदा हो जाएगी और 24 मोदी जी की विदा हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से किसान के लिए कहा जाता है कि लगातार जो किसान निधि थी नहीं आती थी, अब आने लगी है, तो क्या किसान भाई खैरात में दे रहे क्या? 6,000 रुपए एक साल में एक परिवार को दे रहे हैं, ठीक है, 6,000 रुपए में क्या हो जाएगा? 6,000 रुपए में क्या हो जाएगा? सब्जी नहीं चलेगी 3 महीने की किसान की, और फिर पैसा किसका है? पैसा तो मेरे किसान का है, ये इनके पास कौन सी बैंक ऐसी है जिससे 9 रुपए बनाते हैं? अरे पैसा तो मेरा है, किसान का पैसा, हमारा 50 लाख लूट लेते हैं, 2,000 दे देते हैं। अच्छा, अब की बार जो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है भाजपा सरकार का, कि भाजपा सरकार के जो नेता हैं और भी लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि जो पहले गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट जैसी चीज़ें होती थी, उस पर बहुत ज़्यादा भ्राम से लगा रखा है, पुलिस बहुत ज़्यादा कड़क है, अब कोई भी जाता है उसको न्याय मिलता है, उस पर क्या कहना है? सब सारे झूठे इनके बाद खोखले हैं, ना लूट बंद है, ना अपराध बंद है, कहीं कुछ बंद नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। मेरी घटना होती है, कहाँ घटना नहीं हो रही है, घटना बराबर हो रही है। अरे भाई घटना एक बात बताइए आप, अभी थाने में कोई पहुंच जाए, 5 जाथनी से काम नहीं चल रहा, पहले फ्री में काम हो जाता था सपा सरकार में गरीबों का, तो कहीं ना कहीं पैसे लगते हैं, बिना पैसे कोई काम ही नहीं हो रहा, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे आपका थाना हो, आप बिना पैसे कहाँ काम कराएंगे, मेरे साथ चलिए आप। अच्छा, ये इटावा जनपद पड़ता है, और इटावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गृह जनपद है, यहीं के शिवपाल सिंह जी हैं, यहीं के मुलायम सिंह जी हैं, फिर भी यहाँ के जो सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं, 3 विधानसभाएँ लगती हैं, उसमें से 2 विधानसभाएँ वो भी बीजेपी अपने कब्जे में किए हुए, एक जो विधानसभा है वो शिवपाल जी हमेशा ही कब्जा किए रहे हैं, उनका हमेशा ही से वो उनके हाथ में रही है, तो किस तरीके से माहौल लाए, क्योंकि इटावा ही की जनता ने अखिलेश यादव जी को नकार दिया है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सही बात तो यह है कि जनता ने अनवाया था भाई, अखिलेश जी के कार हुए, उस कार के अलावा भाई सत्ता परिवर्तन होता है, जनता ने यह चाहा था योगी और अच्छा काम करेंगे, अगर योगी जी ने तो वो काम कर दिया है जो आज 70 साल की पूरी जो स्थिति है देश के आजाद होने की, आज तक ऐसा काम नहीं किसी ने किया, जो गरीबों के साथ हो रहा है, नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, और थाने में जाइए तो 5,000 दीजिए, ठीक है, तो ये समस्याएं बहुत ख़राब हैं, सपा सरकार में इतना बड़ा अपराध नहीं था। अच्छा, 20 फरवरी को मतदान होना है, लगभग 10 दिन रह गए हैं, तो किस तरीके का माहौल लगेगा, यहाँ से कौन विधायक आपकी बार? यहाँ तो कोई जीता, हम तो ये कह रहे ना, योगी जी खुद पर्चा भर देते हैं आके ना, अच्छा। उनको मालूम पड़ जाता जसमल नगर है क्या, यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर जीत होगी शिवपाल सिंह की। देखा आपने कि लोगों से हम लोगों ने लगातार बात की, और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार की जो नीतियों से कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दी, तो इसी तरीके से हम लगातार आपको लोगों की राय पहुंचाते रहेंगे, इसी तरीके आप हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, नमस्कार।